संतोष डीन टूबी यूनिवर्सिटी की तीसरे वार्षिक आरोग्य कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक समापन। कॉन्फ्रेंस में मौखिक और पोस्टर प्रोजेक्शन के माध्यम से युवा प्रतिभाओं द्वारा रोमांचक रिसर्च और प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए। इससे प्रतिभागियों को साथियों, मेंटोर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ने का शानदार अवसर मिला। आरोग्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति बत्रा, डीन रिसर्च और डॉक्टर राजीव अहलुवालिया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के नेतृत्व में एक समर्पित आयोजन समिति द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए डॉक्टर ज्योति बत्रा, आयोजन अध्यक्ष आरोग्यम और डीन रिसर्च संतोष डीन टूबी यूनिवर्सिटी ने कहा, आरोग्यम कॉन्फ्रेंस को बेहद शानदार और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को सीखने और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मेडिकल साइंस को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। Which is an annual event for the Central Research Facility. Arugyam is a series of conferences for the students, by the students. So, what happens, students ke paas medical or dental students hote hain, they don't have this kind of forum, jahan par ki wo apne ideas ko present karein, kuch pitch present kar sakein, apne रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें हमेशा पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, फैकल्टीज आते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कोई भी स्पेस नहीं होती, और स्पेसिफिकली हमारे मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स चूँकि वो बाउंड होते हैं रेगुलेटरी काउंसिल्स से, तो उनके पास टाइम लिमिट भी सब कुछ उनका कंप्लीट होता है कि उनको इतने टाइम लिमिट में ही पढ़ाई करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा उनके करिकुलम में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ निकाल नहीं सकते, तो उनके पास कोई भी फोरम नहीं होता जिसको कि वो यूज़ करके अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएं या अपने आइडियाज़ को आगे प्रोटोटाइप की तरफ लेके आए। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई कि एक ऐसा फोरम जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए हो, जो जो मेडिकल और डेंटल के बच्चे हैं उनके लिए हो। आरोग्यम टोटली ओपन टू ऑल द कोर्सेज, चाहे वो मेडिकल हो, डेंटल हो, पैरा मेडिकल हो, एलाइट हो, इवन बिकॉज इट्स एन इनोवेटिव काइंड ऑफ फोरम, तो इवन द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ऑल अदर प्लेसेज, दे कैन ऑल्सो कम एंड टेक पार्ट। या वाई वी आर गेटिंग इट डन, बिकॉज वी वॉन्ट कि मोदी जी का सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत। So every student should know the meaning of innovation. कुछ चाहे वो एक एक academician हो, चाहे वो एक clinician हो, उसको पता होना चाहिए। एक छोटा सा example है, एक student जब doctor बनता है तो वो अपना clinic खोलता है, तो उस clinic को खोलने के लिए उसको कुछ idea नहीं होता है, क्योंकि clinic खोलना और उसको चलाना एक business है, तो उसके लिए हम कोई प्रिपरेशन नहीं दे रहे उसको, कहीं पर भी उसके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हैं। वो डिफरेंट इस तरह से है कि अलग जो दूसरी रिसर्चर्स फोरम होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की वर्कशॉप हो या किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें हम सिर्फ ओरिजिनल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च की बात करते हैं, हम उसमें इनोवेशन को टच भी नहीं करते। जबकि मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट, डेंटल के भी जितने इक्विपमेंट आते हैं, वो सारे के सारे उन इनोवेटिव रिसर्चर्स ने बनाए होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। चाहे आप एक्सरे मशीन की बात लो और चाहे एमआरआई की बात लो, ये डॉक्टर्स ने आइडिया दिया है ना, और इंजीनियर्स ने उसको इम्प्लीमेंट करके एक्चुअलिटी में लाया है। लेकिन उन डॉक्टर्स का कहीं कोई मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें ये चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे शुरू से ही इसमें ओरिएंट हों, दे शुड ऑल्सो कम टू द फोरफ्रंट कि हमें इस तरह की मशीन चाहिए, देन दे कैन कोऑर्डिनेट विद इंजीनियरिंग पीपल, एआई पीपल एंड अदर्स, और कोलैबोरेटिव वो कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाए। हमारा एक इंक्यूबेटर है संतोष स्टार्टअप्स फोरम,
जो एक सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है और उसमें हम अभी मेंटोरशिप कर रहे हैं स्टार्टअप्स की वो करीब 16 स्टार्टअप्स हैं जो हमारे अंडर मेंटोर हो रहे हैं एंड उसमें मेडिकल के भी स्टार्टअप्स हैं डेंटल के भी स्टार्टअप्स हैं और अदर देन दैट एरिया भी प्रोफेसर डॉक्टर राजीव अहलूवालिया आई एम प्रोफेसर एंड हेड ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स संतोष डेंटल कॉलेज and I'm also the dean student welfare Santosh Dean to the university and co-chair for this prestigious research conference in the health sector Arogya. अब सारी संस्थाओं को देश का जो direction है वो लेना पड़ेगा जो हमारी government है वो चाह रही है कि research में and especially innovation में हमारी country के पास बहुत रिसोर्सेज हैं और स्पेशली टैलेंट है सो वी वांट टू नर्चर दैट टैलेंट वी वांट टू सपोर्ट दैट टैलेंट सो दैट आगे आने वाले दिनों में इनोवेशंस रिसर्च में निकले दिस इज द मोटिव फॉर दिस और ये ऐसा हमारे इंस्टीट्यूट की विजन भी है और ऐसी सरकार की विजन भी है आई रिक्वेस्ट मैडम I already actually told you as I have told you like this is not the first this is the third sequence और इसको हम every year we are planning to do this is what is the roadmap and we want to make it a better every time because this time as I have told you we have got 600 plus registrations and a full conference workshop we want to make it a national successful national conference next time. But it is a regular yearly